कोरोना बहरान के इस मुश्किल वक्त में अहले खैर हजरात अपनी अपनी गुंजाइश से मुतासिरा अवाम में सहूलियात पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज यूथ वेलफेयर तेलंगाना की जानिब से तिबी सहूलियात से आरास्ता गुसल वैन तैयार किया गया, जिसमें कोरोना के सबब अमवात होने वालों को गुसल दिया जाएगा। गरीब और मुस्तहिक अफराद मुफ्त में इस गुसल वैन की सहूलियत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं ईएम न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट में आगे के मज़ीद तफसीलात। एक मिनट, राइट, ये पूरे एसएस की बॉडी ऑर्गेनाइज करी हुई बॉडी बॉडी बनाए इसमें, और इसके हिसाब से हम स्टोरेज बनाए इसमें, ये वाला स्टोरेज सिस्टम है इसमें। यहाँ पर ओपन रखने का प्रोविजन है, यहाँ पर अमीर और बॉटम, यहाँ पर जो है क्लीनिंग मेटल रखा हुआ है, और इसमें जो सेफ्टी टूल्स रहेंगे और टूल्स के प्रोविजन, और यहाँ पर मास्क वगैरह है, पीपीई किट रहेगी, जो शावर देने का सिस्टम हो यहाँ से, इसके अंदर से पानी निकलता है, बता देता हूँ। नहीं, ये दो से टैप्स है इसका, और इसके अंदर जो सिस्टम है वो पूरा गीजर सिस्टम लगा हुआ है, और एक प्रेशर पंप लगा हुआ है जिसकी प्रेशर से पानी जो है फ्लो में आएगा, और इसका 3 लीटर का गीजर है, और इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी गर्मी होगी जो हॉट वाटर लगेगा उसके लिए दो साइड जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक दो फैन लगे हुए हैं जो वॉलेंटियर जो गुसल देंगे उनको, और यहाँ पर दो LED लाइट्स आगे और पीछे लगा हुआ है, और ये पूरा कम्प्लीटली जो है हाइड्रोलिक सिस्टम है। इंसान अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, मतलब कोई बड़ा आदमी अगर हाइट वाला हो उसको काम करने के लिए तो वो कम करके बॉडी के ऊपर ले सकता है। अच्छा, तो ये वाला सिस्टम लगा हुआ, इसमें सेफ्टी का भी काफी ख्याल रखा गया, मतलब वायलेटर जो पानी लाएंगे उनके पायर वगैरह फिसलने के लिए जो है सेफ्टी टेपिंग किया गया नीचे नियॉन वाला। बस बस ये वाला, ये सेफ्टी टेप लगा हुआ है, अगर खुदा ना खासा करंट चले जाता है किसी वजह से तो ये नियॉन जो है रात पे ग्लो करेगा आने जाने के, तो इसमें आपका पायर बिस्किट नहीं होगा और एक ग्रिप रहेगा, और उसके लिए किधर है नियॉन? अब बोले इसका जो ड्रेन सिस्टम है वो यहाँ से करेगा, और ये जो पाइप लगा हुआ एक्सटेंशन ये सीधे लॉक के पास हो जाता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उतना फोर्स लगा के टाइट करने की, और खोलने के लिए काफ़ी आसानी से खुल जाएगा, और इसके साथ जो अंदर काम करने वाले हैं वो ये सेफ्टी शूज के साथ और ग्लव्स के साथ काम करेंगे, तो इसके लिए भी हम डोर का जो है यूटिलाइज करें, ये एक्सटेंशन पाइप के लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया, वाली का जो काम करेंगे उनके लिए सेफ्टी शूज और ग्लव्स के लिए प्रोविजन करें, तो ये सारी गाड़ी की जो है डीजल है 350 लीटर का वाटर टैंक पीछे के साइड लगा हुआ है, 350 जो है लीटर वाटर टैंक रहेगा, उसको जो पानी चलाना पड़ेगा वो यहाँ से टैक कनेक्शन, इसके लिए यहाँ पर जो है टैक कनेक्शन लगा के रखेंगे पानी फिल करने के लिए, और सभी सारे जो डिटेल है मैं आपको यहाँ से, और ये सेफ्टी कौन से तब के पार्किंग वगैरह का अगर करना है उसके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग ये सेफ्टी कौन लगा के रखें, और उससे भी आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है मुश्किल। ये दो ऑप्शन पे चलता है, एक तो प्लग एंड प्ले डायरेक्ट लग लगा के हम कहीं से पावर ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन एक है इसमें बैटरी में भी हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, ये एक कन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कन्वर्टर के जो है ये अल्टरनेटिव डायरेक्ट करंट पर कन्वर्ट करेगा, ये एक पावर जो है कन्वर्ट करके इसके अंदर गीजर और प्रेशर पंप को और जो इलेक्ट्रॉनिक अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए उसको यूज करेंगे, तो ये इंटरनल बॉडी है कंप्लीट 304 ग्रेड में जो है स्टील बॉडी बनाया गया इसकी, और पूरे प्लम्बिंग पॉइंट्स वगैरह एक्सेट जो इंडियन स्टैंडर्ड हाइट है उसके हिसाब से हमने एडजस्ट किया है, ताकि हर वो चीज़ सेफ्टी के हिसाब से वॉलंटियर के देखें, इसमें काम करने वालों को जो बॉडी वगैरह है उनकी सेफ्टी के हिसाब से हमने जो हर चीज़ देख के बनाया गया है, तो ये पूरी जो है गाड़ी ये ट्रैवलर गाड़ी थी, हमने इसको टोटली मॉडिफाई करके गाड़ी को जो है असेंबल किया, इसको असेंबल करने के लिए कम से कम एक महीने का टाइम लगा। अब ये जो गाड़ी की एम्बुलेंस सीसी को भी होने का है जी, तो इसके लिए कुछ चार्ज वगैरह करिए, हमारे जो है सदर साहब से डिस्कस करना पड़ेगा अस्पताल से। ये डिज़ाइन का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये डिज़ाइन का इंस्पिरेशन जो मौजूदा हालात है मैं उसके बारे में बताता हूँ, कि जो हालात हुए जो कोविड 19 जो सेकेंड वेव का जो मसला था
उस वक्त हमारे वॉलंटियर्स को काफी दिक्कतें हुई, तो वो दिक्कतों को हम लोग देखते थे। हमारे सामने जब भी जो है तस्वीर वगैरह करके आते रात को बोलते थे कि भाई हमको बहुत काफी सारी तकलीफ हो रही है तस्वीर करने के लिए, एक बॉडी को लिफ्ट करके जो है गुसलखाने हैदराबाद में खत्म हो गए। तो पहले जो जमाना था वो काफी खुले मैदान घर हुआ करते थे, आज जो है लोग करोड़ दो करोड़ के घर बना लिए मगर गुसल देने की जगह नहीं है उनको। तो सबसे बड़ा मसला वो हुआ कि भाई एक लाइन में लगे हुए हैं आठ आठ दस दस बॉडी लाइन में लगे हुए हैं, तो कुकटपली से बॉडी ला रहे रेडिंग्स को गुसल देके फिर ले आके कुकटपली में तस्वीर हो रही। तो वो देखते हुए हमारे वॉलंटियर्स का हमारे साथ जो है काफ़ी डिस्कशन हुआ इस बारे में, तो वो बोले कि भाई हमको एक ऐसी चीज़ बनाना है ताकि हमको गुसल देने पास आएंगे। तो हमने इसको प्लान किया, इसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन मीटिंग हुई, उसके बाद हमने एक डिज़ाइन करके जो है एक मोटर व्हीकल बनाने का प्लान किया। उसके बाद जो है इसको हमको स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी जो हमारे वॉलंटियर्स को कम्फर्टेबल हम जो है सेफ्टी के साथ काम करने के लिए, तो ये गाड़ी वो बेहतर थी, हमने इसको मॉडिफाई किया। ये 12 सीटर गाड़ी थी, तो टोटली हमने सीट निकाला, इसको जो है पूरा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके इसके ऊपर काफ़ी जो है मेहनत। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, डिप्लोमा आर्किटेक्ट किया है। तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, तो मैं प्रोफेशनल एक डिज़ाइनर हूँ और हमारे साथ में जो है इस प्रोजेक्ट पे 6 लोग काम किए, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और 2 जो है इंटीरियर डिज़ाइनर है और जो है 2 जो है फैब्रिकेटर थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज कई मुश्किलों के बाद पिछले 2 महीने से कंटिन्यू काम करते हुए आज हम गुसल बांध तैयार कर चुके हैं। यूथ वेलफेयर तेलंगाना जब से कोविड के केसेस शुरू हुए, जो मैयतें जो मुस्लिम मैयतें की जो बेहरमती हो रही थी वो देखते हुए हमने ये तंजीम को बहुत मैदान में उतारा है। पिछले 2.5 साल में हम लोग करीब 2000 के ऊपर तकफीने कर चुके हैं मुसलमानों के, और हमें गुसल वगैरह के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने की कोशिशों के बाद आज ये गुसल बांध तैयार होकर मौजूद है, आज उसका इनॉग्रेशन है। हम सब जितने भी लोग हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा आके देखिए, और जो साहिब इस्तात है और जो NGOs वाले और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी गुजारिश है कि आके हमारी व्हीकल देखें, ताकि आप लोग भी बना के ये कौम के लिए एक असासा बनाएं। इंशाल्लाह जो भी गुरबा रहेंगे, जो BPL फैमिलीज़ हैं, उनको कोई किस्म के इसमें चार्जेस नहीं है, बिल्कुल उनको कफन, उनको गुसल, उनके ट्रांसपोर्टेशन का हर वो चीज़ यूथ वेलफेयर तेलंगाना देखेंगी, और जो साहिब इस्तेदाद हैं उनसे नॉमिनल चार्जेस लेंगे ताकि इसका मेंटेनेंस हो सके। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी फ़िलवक्त हैदराबाद में 3 एम्बुलेंस है जिसमें हम डेड बॉडीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक चौथी है गुसल वैन है, और इसके अलावा हर वो चीज़ गुसल के सहूलत हैं, जैसे गीज़र लगे हुआ है, शवर है, गुसल बेड है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है। इंशाल्लाह वो आपको पूरा एक्सप्लेन हमारे रियाज साहब जो इंचार्ज है गुसल वैन के, जो पूरा मॉडिफाई करें, जो डिज़ाइनिंग करें, इंशाल्लाह उन्होंने आपको पूरी तफसील बता सकेंगे। जज़ाकल्लाह।